कमेंट्स हमने वी हैव सीन दैट. बट अगर आप और भी फिल्म देखेंगे, फिफ्थ एलिमेंट हो या और भी दो चार है, उनमें भी यू नो यू हैव सिमिलरिटीज ऑफ नो इमेज विच इज रिवर्स. सो ऐसा नहीं है कि इंसेप्शन ही पहला पिक्चर था जिसमें ऐसा कुछ एज यूज किया हुआ था. आई थिंक फिफ्थ एलिमेंट हैज द सेम थिंग एज वेल. या मिस्टर बच्चन, हाय, दिस इज कार्मिक वर्मा ऑन योर लेफ्ट. अमित सर, आपके राइट. या माय क्वेश्चन टू यू सर इज दैट यू हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 42 इयर्स. 43 इयर्स. नो 47 इयर्स. या 47 years, sir. There was a period where, you know, there were scripts which were being written where you were playing, you know, second fiddle to the hero, you know, either the dad or, you know, a character role. But in the last 2 to 3 years, whether it was Wazir, whether it is this film, we've been seeing increasingly, even Piku for that matter, thank you, that scripts are being written with you in the center stage. Are you telling them to do this, or this is happening automatically? I think they've just become sensible. Sorry, Anita. Yeah, exactly. I think whoever did not do that missed out a lot. If I could write a script, I'd be writing a script for him every day. No, no. So, are you upset by the fact that I'm getting this? If you're not upset, you know, I'm really grateful and thankful to some of the writers who still consider me to be playing these kind of roles. I'm really very blessed and fortunate that they think about me like this. But yes, it does give me an opportunity to do things that I was never able to do earlier on. Because you played the leading man, and there are certain characteristics, which I was just answering the other gentleman. There's a certain format for the leading man in all our films, and that's what I was doing. But yes, I do consider myself very blessed and very fortunate, and I hope that that there are many others who will come forward. I know Ribu is doing another one with me soon, and it's already Ribu. Ready. So, yeah. Ribu, sir, Ribu. Right. Amit sir, given an opportunity, write all my scripts, sir. Huh? Sorry, Amit sir, here, right, sir. Sorry, yeah. कोलकाता जैसा अनुशासन, जो कोलकाता के लोगों में अनुशासन है, उस किस्म का discipline और किन इलाकों में देखते हैं? क्या हम माने कि यूपी में अगर हम कोई फिल्म शूट करें आपके साथ सब जी, तो हाँ, अगर आप मेरा ऐसा मानना हमेशा रहा है कि अगर आप जनता को एक बार जाके समझा दें, वो समझ जाते हैं. जनता आमतौर पर अनुशासित रहती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. यू नो, कलकत्ते की बात इसलिए की क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े से passionate. बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो थिएटर हो, संगीत हो. अब यहाँ बैठ कर सुनाना शुरू करूँगा आपको अपनी बातें तो पूरी शाम निकल जाएगी. लेकिन जितना मेरा अनुभव हुआ है कोलकाता के साथ, हम लोग रात रात भर बैठे हैं ये बालीगंज में, जहाँ पर हमने पूरी रात बैठ करके शास्त्रीय संगीत सुना है, और एक ही शाम के अंदर मैं आपको बताऊँ, रविशंकर, विलायत हुसैन, अल्लाह राखा, अलाउद्दीन जी, शांता प्रसाद जी, सब जितने म्यूजिशियंस एक ही शाम में, कभी भी संभव ही नहीं हो सकता कि एक ही शाम ये लोग बजाएं, इनको हम लोग सुनने बैठते थे. खेल के मैदान में आपने देखा है किस तरह से ईडन गार्डन भरता है और कितने पैशनेट होते हैं. इसी तरह जब वो अपना स्नेह और प्यार दिखाते हैं किसी कलाकार के प्रति, तो वो मुझे आज भी याद है कि जब मैं महमूद साहब के साथ रहता था, अनवर अली मेरे मित्र थे, तो वो और धर्म जी गए थे, उनकी एक प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म थी, वो उसके रिलीज़ के लिए गए थे वहाँ, और उनको थिएटर का जो ऊपर एक छज्जा होता है वहाँ पर जा कर के खड़ा होना पड़ा क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी. और जैसे ही वो छज्जे पे निकले, इतनी ज़ोर से उनका स्वागत हुआ कि महमूद भाई और धर्म जी के आंसू गिर पड़े. और उनसे कहा गया कि आप कुछ बोलिए, तो उसने कहा कि मैं क्या बोलूँ, हमारे तो ये देख करके दृश्य जो है हमारे लिए इतना भावुक है. इस तरह की वहाँ की जनता है, वो आपको उठा करके ले जाएगी. मैं अपने अनुभव अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूरा ऐसा लगा है कि मैं अपनी ही तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है. वो बहुत ही भावुक लोग हैं. हम जैसे कि अभी इस फिल्म में हमने हुगली नदी में शूटिंग की, और मैं एक और फिल्म की शूटिंग करने गया था वहाँ, दो अनजाने की, हमारे एक गाना करना था हमें बोटानिकल गार्डन में, जो कि हुगली नदी के उस पार है, हुगली में है. तो अगर हम सड़क से जाते तो समय लगता, और कहीं ना कहीं लोगों को पता चलता कि हम उधर जा रहे हैं. इसलिए उन लोगों ने कहा कि आप इधर एक स्टीमर जाता है इस पार से, उसमें आप बैठ जाइए, चुपचाप से चले जाएंगे उस तरफ,
और वहाँ उतर करके गाड़ी में बैठ के वो बोटानिकल गार्डन पहुँच जाएंगे, वहाँ गाना शुरू हो जाएगा। तो अब बहुत सवेरे 6-7 बजे वहाँ एक स्टीमर चुपचाप से लग गया इस तरफ और हम उसमें जा करके बैठे, और जैसे ही वो स्टीमर निकला नदी में जाने के लिए, कुछ 200-300 लोग जो है वो पानी में कूद गए कूद करके साथ में तैर के गए हमारे साथ उस तरफ। ये बहुत ही ये फैन फॉलोइंग तो है ही, लेकिन एक इनकी जो भावना है ना वो बड़ी अजीब है। और उसी जगह बोटानिकल गार्डन में एक तालाब था बहुत बड़ा, तो हम लोग तालाब के इस तरफ थे ताकि भीड़ जो है उधर रहे, तो भीड़ उधर थी, लेकिन वहाँ से वो लोग हाथ हिलाएं शोर मचाएं। एक सज्जन जो थे उन्होंने कहा कि प्लीज़ सर कुछ हमको आना है, ये फोटोग्राफ चाहिए। तो मैंने कहा यार बेचारा बहुत परिश्रम कर रहा है, इसको बुला लेते हैं। तो ये ऑटोग्राफ ऐसे कागज मुंह में पकड़े और पेन ऐसे मुंह में धरे, वो पानी में तैरता हुआ पूरा तालाब पार करके आया मेरे पास भीगा एकदम, और मैंने उसको ऑटोग्राफ दिया। उसने मुझे गले लगाया, चीखा चिल्लाया ये, और वैसे ही पानी में कूद दिया ऑटोग्राफ लेकर। जितना ऑटोग्राफ लिया था सबमिट किया। तो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं कोलकाता की। मैं आजाद हूं में भी एक कहानी है ना, अरे बाप रे वो तो बताना नहीं चाहिए। सर वो एक थिएटर में वो फिल्म लगी थी मैं आजाद हूँ, और उसमें जहाँ दृश्य जहाँ मैं छत से कूद जाता हूँ आत्महत्या करता हूँ, तो फैंस जो हैं सर वो बड़े भावुक होते हैं। तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ वो फिल्म में वो दीवार के ऊपर, एक जो फैन था वो बैल्कनी के जो ऐसे कॉर्नर होता है उधर खड़ा हो गया, और जैसे ही मैं कूदा उसने कहा दादा एकला जाबो ना तुम्हें, डाम करके कूद गया नीचे। बंगाली में उसने कहा कि आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी जाऊंगा साथ में आपके। तो इस तरह का पैशन है वहाँ के लोगों में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन यू नो हाउ, इट्स जस्ट सो लविंग एंड सो वार्म। रिबू टू ऑल, वी ओनली हैव क्वेश्चन फॉर वन, या दैट जेंटलमैन इन रेड प्लीज। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस ऑन अ वेरी gripping trailer that we just saw. Like someone mentioned, there's a crazy star cast on board. What I want to know is how are they on set? Yeah, because you know they come with a lot of experience. So do they probably tell you, oh, this is to be done this way, or? No, not at all. Don't try. Shuja. Oh. Shuja was actually doing the other part of filming, which was production. So, you know, he was looking after all of us. He was very warm that way. Yeah, and food should come on time. So Shuja was, yeah. Amar Singh ne Jaya ji par kaafi ilzam lagaya, aapka bhi naam liya. Can we keep the questions relating to the film, please? I'm really sorry. Aap kuch action lene wale hain? Bolne dijiye unko. जी आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं सर, क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने बोला 2 दिन पहले, आपने सुना होगा जया जी के बारे में, आपके बारे में, कि आपने उनको वॉर्न किया था कि जया जी से दोस्ती ना करें, काफ़ी कुछ उन्होंने कहा, आपने वो सुना होगा, कुछ एक्शन लेने वाले हैं या क्या कहना चाहेंगे सर? वो हमारे मित्र हैं, उनका ये अधिकार है कि वो हमारे बारे में जो चाहें कह सकते हैं। किसके जीवन अभिनय को लेकर जी, मैं उनसे जब भी मिलता हूँ मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं, और कई बार जब भी मैं मिलता हूँ उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि अगली फिल्म क्या आप मेरा नाम रिकमेंड कर सकती हैं कि मैं उनके साथ काम कर सकूँ। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, यदि आपसे मिले तो आप मेरी तरफ। Alright, that was the last question. Sujoy, for the afternoon, I'm really sorry. So equally important apart from the cast and the crew are the producers of the film. So can we have you on stage please as well for the photo op? Blue Waters Motion Pictures, Gulab Singh Tanwar, Abhijeet Ghantak and Anirudh Tanwar. From Endemol, Deepak Dhar and Ram Meerchandani. From cinema.
Gracias.